सो भाई लोग, क्या आप जानते हो कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी महामारी आई थी इतिहास में जो इंसानों को हिला के रख देती है। तो भाई लोग यार, इस वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको आपके दादा के परदादा के परदादा के समय में क्या हुआ था वो पता चलेगा। सो गाइस, वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट आज बिना किसी इंट्रो के बाद। पार्टीशन ऑफ इंडिया। भाई लोग, क्या आप जानते हो कि ये वक्त गरीबों के लिए सबसे बेकार वक्त था, क्योंकि भाई लोग आपको बता दें, ये वक्त में कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने आदमी बेसहारा हो गए, क्योंकि सबको अपना अपना घर, अपना अपना शहर, अपना अपना गांव छोड़ के जाना पड़ा था। और भाई लोग, क्या आप जानते हो कि करोड़ों लोग उस टाइम बेसहारा हो गए थे, और कितने लोगों को तो ट्रेन के ऊपर सो के रात गुजारना पड़ा था। और भाइयों, क्या आपको पता है कि एवरेज उस टाइम 15 से 20 लाख लोग अपने अपने जान से हाथ धुल बैठे थे। वर्ल्ड वार वन। भाई लोग, क्या जानते हो कि वर्ल्ड वार वन इस दुनिया का सेकंड ऐसा फाइट था जो इतना देर तक चला था। और भाई लोग आपको बता दें कि वर्ल्ड वार वन टोटल 4 साल चला था। भाई लोग आपको बता दें कि ये फाइट तो रुकने का नाम ही नहीं लेता था, ये फाइट तो जितना देर तक चलता था उतना और देर तक बढ़ते गया, और डेली इसमें 1 से 2 लाख लोग मारे जाते थे। और भाई लोग आपको बता दें, वर्ल्ड वार वन में टोटल 10 से 15 मिलियन लोग मारे गए थे, और 10 से 15 मिलियन लोगों में से 10.8 मिलियन मिलिट्रीज एंड आर्मीज थे, बाकी सब मासूम लोग थे। द लास्ट टाइम ऑफ इजिप्ट। 530 एडी में इजिप्ट के लोगों को लगने लगा था कि ये उनका आखिरी समय है, क्योंकि उस टाइम वोल्केनोज अपने आप फटने लगे थे, समुंदर में से पानी गिरने लगी थी। और भाई लोग, क्या आपको पता है कि उस टाइम इजिप्ट के लोग अपने आप मरने लगे थे, और भाई लोग क्या आपको पता है कि उस टाइम इजिप्ट के बड़े बड़े इमारत अपने आप ढलने लगे थे, और उस टाइम इजिप्ट के लिए सबसे खतरनाक समय यही था। वर्ल्ड वार टू। भाई लोग, क्या जानते हो कि वर्ल्ड वार टू एक ऐसा इकलौता लड़ाई था जो बहुत देर तक चला था। सो भाई लोग आपको बता दें, वर्ल्ड वार टू टोटल 6 ईयर चला था, और ये 1939 से 1945 तक चला था, सोच सकते हो गाइस। और भाई लोग, क्या पता जानते हो, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वर्ल्ड वार टू में सबसे भयानक हथियारों के यूज हुए थे। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वार टू में टोटल 75 मिलियन लोग मरे थे, और भाई लोग क्या आपको पता है कि 25 मिलियन लोग उसमें से मिलिट्रीज एंड आर्मीज थे। द ब्लैक डेथ बीमारी। इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी थी, और भाई लोग आपको बता दें, 536 एडी में यूरोप एंड मिडिल ईस्ट में अपने आप एक फॉग आया और उसको पूरा ढक लिया। और भाई लोग आपको बता दें, फॉग के ढकने के कारण मिडिल ईस्ट एंड यूरोप में सन की लाइट एक भी नहीं जाती थी, और सन की लाइट नहीं जाने के कारण वहाँ -10 डिग्री सेल्सियस हो गया था। और भाई लोग, क्या आपको पता है कि ब्लैक डेथ बीमारी आने से पहले वहाँ ढेर सारे वोल्केनोज फटे थे। और भाई लोग, क्या आपको पता है कि लोग तो ये भी कहते हैं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी भूखमरी 536 एडी में देखी गई थी, लेकिन ये बात तो वही जानते हैं जो उस टाइम जिंदा थे। और भाई लोग, क्या आपको पता है कि वो फॉग मिडिल ईस्ट एंड यूरोप में टोटल 18 मंथ्स रहा था, और ठंड इतने बढ़ जाने के कारण वहाँ के लोग पर दिन मरते थे। और भाई लोग, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे करना मत भूलना। और भाई लोग यार, 1 की करवाओ जल्दी से, दम जल्दी। और भाई लोग यार, पिछले वीडियो में मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन सी फिश है जो पानी में नहीं तैरती है। सो भाई लोग यार, इसका आंसर है सेलफिश। ऐसी कौन सी फिश है जो पानी में नहीं तैरती है? सेलफिश। सोच सकता है सेल्फिश है इसका आंसर। सो भाई लोग यार, आज का क्वेश्चन आपके लिए कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ 5 बार सूरज उगता है, देख सकते हो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। भाई लोग यार, जिस जिसको आंसर आता है वो कमेंट कर देना, जिस जिसको नहीं आता उसको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा।